देश में बड़ा उतार चढ़ाव आया है। बदले हालात में कौन गठबंधन प्रदेश के अलग अलग इलाकों के जाति जंजाल को भेदकर अपने प्रदर्शन में कितना सुधार कर पाता है और इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा गठबंधन को 80 में से 64, सपा बसपा रालोद गठबंधन को 15 और कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा था। बता दें कि इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुद्दे की चर्चा पर जुड़ रहे हैं बीजेपी से विकास पांडे, सपा से मयंक यादव और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। इसी तरीके से और भी बहुत सारे तमाम वायदों से मोदी जी फेल हो रखे हैं और मोदी जी का फेल होने का कारण है क्योंकि इन्होंने धर्म जातियों में से देश को तोड़ा है और कुछ नहीं किया। तो धर्म जातियों से तोड़ने से क्या है, अब देश समझ चुका है इस बात को। अब जो है मोदी जी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है जी। विकास पांडे जी, कितना सच है, कितना आप अग्री करते हैं ढींगरा जी के बातों से कि मोदी जी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को तो तोड़ ही रहे हैं और साथ साथ पार्टियों के अंदर भी दरार डाल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। विकास पांडे जी, देखिए अपने अपने देखने का नजरिया है। कांग्रेस के देखने के नजरिए से आप अगर चीजों को दृष्टिगत देखेंगे तो जनता तो नहीं देख रही है उनके नजरिए से, बिल्कुल स्पष्ट है। आप 2014 से देख लीजिए तो कुल मिला के कांग्रेस का नजरिया ही गलत है। इनका देखने का जो चश्मा है वो स्पेसिफिक चश्मा है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस देश में किसी और के पास होगा वो चश्मा। दूसरी चीज, आप यहां पर आ जाइए, गठबंधन की बात कर रहे थे और एक नई थ्योरी लेकर के आए कि 370 मोदी जी जीत रहे हैं और 30 सीटें हमारे गठबंधन के साथ ही जीत रहे हैं। अरे भाई, तो क्या देने में भी 30 सीटें ही है? टोटल लोकसभा में 543 सीटें हैं भाई। श्रीमान जी को शायद आंकड़ों की बाजीगरी में कांग्रेस इतनी माहिर हो गई है कि अब जब तक जीरो नहीं कांग्रेस का हो जाएगा तब तक उसे आंकड़े समझ में नहीं आएंगे। तो कांग्रेस का तो अभी और भी नीचे जाना तय है इस चुनाव के बाद। आपको दिखेगा रत्ना जी कि वो और नीचे जा रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरी चीज, आप कई चीजों को लेकर के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने रोजगार दिए, कितने क्या किया, तमाम चीजें आकर के आप प्रोपोगंडा के रूप में इस देश में फैलाते हैं, लेकिन ये नहीं बताने का आप कभी भी प्रयास करते हैं कि इस देश में 50-50 साल शासन करने के बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ है क्यों नहीं? आपके पास कोई योजना क्यों नहीं है? आपके पास कोई कार्यक्रम क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बताते हो कि इस देश में 50 साल शासन करने के बाद आपने दिया क्या? इस उत्तर प्रदेश में आपने 50 साल आपके इंडिया इंडी गठबंधन ने शासन किया, आपने दिया क्या उत्तर प्रदेश को? नहीं बताते हैं। तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा लेकर के आ जाएंगे लेकिन कभी इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। देश जानता भी है और देश समझता भी है। आपने हमें 10वें नंबर की इकोनॉमी दी, आज भारत जो है दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के सब पूरे देश में अपनी डंका बजा रहा है अपने नेतृत्व का। ये बात कांग्रेस के चश्मे से किसी को नहीं दिखाई देगी लेकिन देश की जनता का जो चश्मा है उससे सब दिख रहा है, जो शायद ढींगरा जी को नहीं दिख रहा है कि देश की जनता के पास इनका दिया चश्मा नहीं है, देश की जनता के पास अपना चश्मा है और वो उससे सच और झूठ को साफ देख रही है जनता, और जिसका जवाब आपको चुनाव दर चुनाव मिल रहा है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप 1980 के दशक से पहले कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी और उसके बाद दशा और दुर्दशा का आलम देखिए, दो दो विधायक रह गए कांग्रेस के, दो दो विधायक। स्थिति यह है कि गठबंधन में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इन्हें मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ऐसी स्थिति में है कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के आगे पूरी कांग्रेस पार्टी छोड़िए पूरा इंडी गठबंधन आज घुटनों के बल है, नतमस्तक है। लेकिन फिर भी पहले जिस तरीके से विकास जी गठबंधन को साइडलाइन किया जा रहा था, लेकिन हालांकि अब ऐसा देखा नहीं जा रहा है क्योंकि 200 से 250 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ अभी भी एक कैंडिडेट है, क्या लगता है आसान है या मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, देखिए आप तमाम तरीके की चीजें हैं, लगभग 210 या 12 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी से हमारी सीधी लड़ाई थी, सीधी लड़ाई जिसमें लगभग 172-173 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और उसमें से भी 73% से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते, प्रचंड वोटों के साथ। तो कांग्रेस पार्टी को तो अपने हास्यास्पद विषयों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज रत्ना जी, आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी ने जो इन्हें 17 सीटें दी है, क्या कभी उसकी समीक्षा की समाजवादी पार्टी ने? उसमें से 12 सीटें ऐसी है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी
12 सीटें उस संख्या में से थी। तो कांग्रेस पार्टी तो वही मैं फिर कहूंगा, जो दे दे उसका भी वाला, जो ना दे उसका भी वाला। तो कांग्रेस की स्थिति तो पूरे देश में अब ऐसी है जी। जी विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच जाते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी थोड़ी बहुत सच है कि संगठन स्तर पर अगर देखा जाए तो नाराजगी तो कई राज्यों में यहाँ भी है। विकास जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराजगी नहीं होती, आप स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय आप देख लीजिए कि भारत के इतिहास में हमने पूरी पूरी गवर्नमेंट बदली है, प्रदेश की पूरी पूरी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, क्या कोई राजनीतिक दल के पास है इतनी हिम्मत जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदल ले, है ना, पिताजी के बाद पुत्र, पुत्र के बाद दूसरा पुत्र, यही चलता आएगा। अरे सर मैं बीच में नहीं बोला रत्ना जी, मैं बीच में नहीं बोला, जबकि इनकी भाषा शैली बहुत आपत्तिजनक थी, रत्ना जी इनकी भाषा शैली बहुत आपत्तिजनक थी, लेकिन मैं फिर भी बीच में नहीं बोला। मेरा आग्रह है आपसे, इनसे कहिए मुझे धैर्य से सुने, अपनी बात रखिए जी विकास जी। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको, अभी कह रहे थे कि हमारे विकास के काम गिनाइए, मैं गिना रहा हूं, आप लिखिए, और उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जानती है, मैंने फिर कहा। सवाल हम विकास पांडे जी से लेंगे। विकास पांडे जी, बार बार मयंक यादव जी कह रहे हैं कि पीठ पे छुरा भोंकने का काम करती है बीजेपी, काफी सारी चीजों को लेकर के बोला गया है कि वो सामने आके काम नहीं करती है, फूट डालती है, पीठ पे छुरा भोंकती है, 4-5 बार ये चीज बीजेपी के लिए बोली गई है। और जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन भी देखिए काफी चुनौती भरी टक्कर देने के लिए तैयार है, जिस तरीके से यूपी में भी बात बनी है और बिहार में भी कोशिश उनकी रंग ला रही है, और अभी काफी कड़ी चुनौती दी जा रही है इंडिया की तरफ से। विकास पांडे जी, देखिए रत्ना जी, समाजवादी पार्टी से इस तरीके के वक्तव्यों पर जनता भी हंसती होगी और आपको भी हंसी आनी चाहिए। कारण मैं आपको बता दूं कि वही समाजवादी पार्टी है कि जब एक तरफ तो बहन मायावती का जब गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा, उससे बड़ा अपमान क्या कभी किसी नेता का किसी राजनीतिक दल ने किया है इस भारतीय राजनीति के इतिहास में। रत्ना जी, आप भी एक महिला, एक पत्रकार है, आप भी जानती समझती होंगी, एक महिला की आबरू और इज्जत से बड़ा सम्मान की बात कोई और होती ही नहीं है। और मुझे लगता है कि बहन मायावती दलित की बेटी के साथ जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उससे बड़ा अपमान भारत की राजनीति में कभी देखने और सुनने को नहीं मिला। वो एक अपमान की श्रेणी होने के बाद भी आप दोनों लोग गठबंधन में आए, फिर क्या हुआ स्थितियां रत्ना जी, आपको मालूम है, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। यह है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वास्तु स्थिति। उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं विधानसभा चुनाव में, क्या स्थितियां होती हैं आप देख लीजिए, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। महान दल के साथ आपने गठबंधन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, चुनाव के बाद उनकी गाड़ी वापस ले ली, धुआं ले पड़ी। अगर हमारे यहाँ बात करें तो खींचा कढ़ेरी हमारे यहाँ एक शब्द होता है, तो चारों तरफ खींचतान मच गई। उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, वो भी गठबंधन खत्म हो गया। तो समाजवादी पार्टी के लोगों से जब जनता इस तरीके की नैतिकता और इस तरीके की बातें सुनती होगी तो बहुत अचंभे से देखती होगी, अरे भाई ये बोल कौन रहा है। तो वो स्थितियां समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी चीज मैं फिर आपसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी से अभी हमारे सम्मानित साथी कह रहे थे कि RLD को हम 7 सीटें दे रहे थे और बीजेपी ने 2 सीटें दी। पूरा मर्म गठबंधन का इसी में छुपा है रत्ना जी, और वो मर्म ये है कि RLD को ये पता था कि वो 7 सीटें मिलने के बाद भी लोकसभा में 1 MP नहीं पहुंचा पाएंगे, 1 MP, और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें मिलने के बाद भी वो दोनों के दोनों MP लोकसभा में पहुंचेंगे। ये विश्वास था RLD को भारतीय जनता पार्टी के साथ, यही विश्वास होता है छोटे दलों का भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमें गठबंधन की बात बताना बेईमानी है इन सारे दलों के लिए। आप याद कर लीजिए रत्ना जी, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार हमने अलायंस बनाया और 27 दलों के अलायंस के साथ हमने सरकार चलाई और बड़े सफलता के साथ 5 साल सरकार चलाई, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां उस दौर में गठबंधन में एक एक साल में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री बदल जाया करते थे, हमने केवल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आगे रखकर उनके प्रधानमंत्री नेतृत्व में पूरे 5 साल एक प्रधानमंत्री के साथ सरकार चलाई। आप हमसे गठबंधन की बात करते हैं, शिवसेना हमारे साथ दशकों तक गठबंधन में रही है, साल तो छोड़िए, आपके साथ तो 6 महीने से ज्यादा गठबंधन नहीं चलता है, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। अकाली दल हमारे साथ दशकों तक गठबंधन में रही है
और गठबंधन में रहने वाले दल भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष के नीचे हमेशा पले हैं, बड़े हैं और फूले हैं। आज देख लीजिए अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद क्या स्थितियां हैं पंजाब के अंदर अकाली दल की। आज देख लीजिए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद क्या स्थितियां हैं। आप कहते हो तोड़ दी, तोड़ दी। जब नैतिकता आप ताक पर रख दोगे, श्रद्धेय जिन्होंने बड़े खून पसीने से और बड़ी आइडियोलॉजी के साथ इस शिवसेना को खड़ा किया, जब बाला साहब ठाकरे जी की उस इच्छा से उस मंतव्य के विपरीत जाकर केवल सत्ता के लिए जब आप ऐसा बेमेल गठबंधन करोगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता और नेता निराश होगा और हताश होगा। और वही हुआ शिवसेना के साथ, नौसर्गिक था ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूं आपसे, हमारे साथ, हम दल भी बड़ा है और हमारा दिल भी बड़ा है। ये तो जरा इनसे पूछिए कि अखिलेश वखिलेश किसका अपमान था। अभी बड़ी अपमान और अपमान पर प्रवचन दे रहे थे हमारे साथी, जरा पूछ लीजिएगा इनसे रत्ना जी कि अखिलेश वखिलेश क्या किस मान की श्रेणी में आता है, चिरकुट नेता किस मान की श्रेणी में आता है, क्या ये अपमान नहीं है गठबंधन? विकास जी, आप अपनी बातें रखें, लेकिन थोड़ी ये मैंने नहीं कहा रत्ना जी, ये मैंने नहीं कहा, और जो कंडम करे उससे आप बताइएगा, ये मैंने नहीं कहा, इन्हीं गठबंधन के आपस के लोगों ने कहा है। ये तो पूरी मीडिया में तैर रहा है, ये मैं कोई मेरे कोई व्यक्तिगत शब्द नहीं है, ये तो इन मीडिया में आया है बाकायदा, और ये स्वयं के इनके नेताओं ने, इन्हीं के गठबंधन के नेताओं ने इन्हीं के नेताओं के लिए कहा। तो ये स्थितियां हैं उस गठबंधन की जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आगे तो छोड़िए, अभी तो आप उसके इर्द गिर्द भी नहीं है कहीं। मैंने आपको अभी उदाहरण के साथ ये बता दिया कि जब आरएलडी को यह विश्वास था कि हमारे साथ दो लोकसभा सीटें मिलने पर भी वो दोनों सांसद लोकसभा के अंदर बैठेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट था, उन्हें विश्वास था, और समाजवादी पार्टी की सात सीटों पर भी उन्हें वो विश्वास नहीं था कि सातों के सातों उनके जीत करके जाएंगे। यही आधार है इस गठबंधन का। ये इस गठबंधन के राज सारे नेता ये जानते हैं कि उनकी नैया भंवर में डूब चुकी है, अब इसे कोई पार नहीं लगा सकता, इसलिए धीरे धीरे ये दल भी किनारा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बड़े गाजे वाजे के साथ बंगाल के अंदर ममता दीदी को शामिल किया गया था। अरे भाई, कितनी सीटें दे दी आपको ममता दीदी ने, जरा पूछ लीजिए हमारे इंडी गठबंधन के दोनों साथियों से, कितनी सीटें दे दी आपको। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि ये गठबंधन आंतरिक रूप से अपने आप से ही लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से इनकी लड़ने की हिम्मत और हिमाकत है नहीं। बीजेपी जानती है कहीं ना कहीं कि छोटे दल को जोड़कर उनके लिए, बिना छोटे दल को जोड़े हुए उनके लिए चुनावी सफर आसान नहीं होना, मन में तो शक तो है, तभी छोटे छोटे दलों को जोड़ा जा रहा है। विकास जी, नहीं, मैं फिर कहता हूं रत्ना जी, आप देख लीजिए कि जब हमारी 282 सीटें आई, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में थे, अनुप्रिया पटेल जी को हमने मंत्री बनाया, हम वो सम्मान देना जानते हैं। उसके बाद हमारी 300 सीटें थी 2019 के चुनाव में, हमने फिर भी अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह दी और बराबर से अपने साथ खड़ा रखा। ये होता है काम करने की शैली और काम करने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी, मैंने एक उदाहरण के साथ बताया, हमारे साथ दशकों गठबंधन में शिवसेना रही है, अकाली दल रहे, दशकों, लोग साल दो साल छोड़िए, 6 महीने मैंने उदाहरण दिया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और महान दल के गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का, 6 महीने से ज्यादा नहीं चला गठबंधन, 6 महीने से ज्यादा। तो ये इनके साथ गठबंधन की समस्या ये है ही। मैं फिर कहता हूं आपको, चुनौती के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो बेमेल गठबंधन है, ये अगर चुनाव के 6 महीने के अंदर ना खत्म हो जाए तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। चुनाव के 6 महीने के अंदर। विकास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच जाते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी थोड़ी बहुत सच है कि संगठन स्तर पर अगर देखा जाए तो नाराजगी तो कई राज्यों में यहाँ भी है। विकास जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराजगी नहीं होती, आप स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय, आप देख लीजिए कि भारत के इतिहास में हमने पूरी पूरी गवर्नमेंट बदली है, प्रदेश की पूरी पूरी गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, क्या कोई राजनीतिक दल के पास है इतनी हिम्मत जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदल ले, है ना, पिताजी के बाद पुत्र, पुत्र के बाद दूसरा पुत्र, यही चलता आएगा। अरे सर, मैं बीच में नहीं बोला रत्ना जी, मैं बीच में नहीं बोला, जबकि इनकी भाषा शैली बहुत आपत्तिजनक थी रत्ना जी, इनकी भाषा शैली बहुत आपत्तिजनक थी, लेकिन मैं फिर भी बीच में नहीं बोला। मेरा आग्रह है आपसे, इनसे कहिए मुझे धैर्य से सुने, अपनी बात रखिए जी। विकास जी,
दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको, अभी कह रहे थे कि हमारे विकास के काम गिनाइए, मैं गिना रहा हूं, आप लिखिए, और उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जानती है। मैंने फिर कहा आपसे कि आपने तो 50-50 साल सरकारें चलाई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। अरे भाई डर किस बात का है, आप इधर उधर की बात करते हो, कभी कुलदीप सेंगर पे चले जाओगे, कभी कहीं चले जाओगे, कभी जेजेबी पे चले जाओगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं पूरी कोई डिबेट आप इनकी उठा के देख लीजिए इंडी गठबंधन की कि हमने क्या किया। कोई इंडी गठबंधन का नेता नहीं बताता है, जब मोदी जी बताते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी बताती है कि 2014 से पहले इस देश में 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे और आज 30 किलोमीटर से भी ज्यादा पर डे हाईवे बन रहे हैं। ये भी इनके इनके गले नहीं उतरेगा क्योंकि इनका चश्मा नहीं है देश के लोगों के पास, देश के लोगों के पास अपना चश्मा है, वो अपने चश्मे से देखते हैं इस देश इन, इन, इस देश के लोगों को सच्चाई बहुत अच्छे से पता है। श्रीमान जी आप मेट्रो जहां 5 शहरों में मेट्रो चला करती थी आज 20 शहरों में मेट्रो चल रही है इस देश के अंदर, ये इनके चश्मे से नहीं दिखेगा, ये देश के चश्मे से दिखेगा। रत्ना जी एयरपोर्ट की संख्या 70 थी 2014 में और आज 150 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है इस देश के अंदर, ये इनके चश्मे से नहीं दिखेगा, ये जो इन्होंने चश्मा पहन रखा उससे नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें तो एक एक तरफ फोटो लगी है अखिलेश यादव की और एक तरफ लगी है राहुल गांधी जी की, तो इनके चश्मे में तो बस वो दो फोटो दिखेंगी, ना देश दिखेगा ना देश की जनता दिखेगी। दूसरी चीज आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, 380 मेडिकल कॉलेज थे इस देश के अंदर, आज 700 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल है इस देश के अंदर, 700 से भी ज्यादा। ये है बदलाव जो इस देश ने महसूस किया है, ये देश आज दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर है पूरे विश्व के अंदर, ये है इस देश ने काम करने जब नेतृत्व तो बदला तो इच्छा शक्ति बदली, इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति बदली। अरे डरिए मत भाई, मैंने धैर्य से सुना, आप ही धैर्य से सुनिए, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैंने जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपके सवाल का, मैं तो आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। ये चश्मा आपने जो पहन रखा, जब तक ये चश्मा आप जनता के चश्मे से नहीं बदलेंगे तब तक ये सब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपके चश्मे के एक तरफ गॉगल पे है राहुल गांधी जी और दूसरी तरफ गॉगल पे है अखिलेश यादव, तो ये चश्मा जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक देश का बदलाव आपको समझ में नहीं आएगा। अब सुनिए सर, धैर्य के साथ सुनिए, ग्रामीण सड़क योजना बहुत पुरानी श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, 55% सड़कें केवल ग्रामीणों में बनी थी 55% 2014 तक, आज 99% गांव, झूठ मत बोलो, मैं ये 99% गांव में सड़क पहुंच गई है। ये होती है काम करने की इच्छा शक्ति, 20,000 किलोमीटर केवल रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड था 20,000 किलोमीटर 2014 तक, उसके बाद हमने 40,000 किलोमीटर रेलवे का ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड किया है 40,000 किलोमीटर। ये बदलाव है जो आज इन सबके चश्मे से नहीं दिखने वाला, इनके भैया जी के चश्मे से नहीं दिखेगा, क्योंकि इनके इनकी नजर में तो पूरी पार्टी इनका परिवार एक परिवार में समाहित है, चाहे वो गांधी परिवार हो और चाहे यहाँ पर सहकारी परिवार हो, पूरी की पूरा गठबंधन आप देख लीजिए, उधर लालू यादव से याद लालू यादव से चलिए, इसके लिए लालू यादव राजनीति कर रहे हैं अपने पिता पुत्रों के लिए, ना अपनी पार्टी के लिए ना ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए, केवल अपने पुत्रों के सेटलमेंट के लिए लालू यादव राजनीति कर रहे हैं। उधर आ जाइए आप गांधी परिवार कांग्रेस के अंदर, सोनिया गांधी राहुल गांधी को सेट करने के लिए राजनीति कर रही है। इधर आ जाइए आप यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, श्रीमान अखिलेश यादव अपने परिवार को सेट करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश में केवल एक नेता है, वो है नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश को सेटल करने के लिए राजनीति कर रहा, इस देश को सेटल करने के लिए आगे आया। ये सब इनके चश्मे से नहीं दिखेगा। अभी पेट्रोल और सिलेंडर पे बहुत रोना रो रहे थे, जरा दो लाइने मुझे पूरा इंडी गठबंधन बता करके जाए। हिमाचल की सरकार बनाने का हिमाचल की जनता ने आपको मौका दिया, पूरे देश में आप घूम घूम कर पेट्रोल डीजल का रोना रो रहे थे। डरिए मत, ये जनता के बीच सजाना चाहिए, डरिए मत, सुनिए, ये जनता के बीच सजाना चाहिए। क्या आपने नहीं बताया आपकी सरकार हिमाचल में इंडी गठबंधन की सरकार ने पहला डिसीजन ये लिया, पहला डिसीजन ये लिया कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा करके पैसे बढ़ा, पहला डिसीजन करने के लिए थी। पूरे देश में पेट्रोल महंगा है लेकिन हिमाचल में पेट्रोल पे पैसे बढ़ा देंगे उस पर कोई बात नहीं इंडी गठबंधन करे, कोई बात नहीं करेगा, वहाँ ना महंगाई की बात होगी ना इंडी गठबंधन जहाँ मिल सकता है ना वहाँ किसी और चीज की बात होगी। मैं फिर कहता हूँ
स्लैपिंग के तौर पर एक बार बार बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ये सब डरे हुए लोग, जनता ने इतना डर भर दिया है कि इन्हें हर तरफ ईडी और सीबीआई दिखती है। इससे पहले भी ईडी सीबीआई की बात समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से करनी चाहिए, जब कांग्रेस के संदेह मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर इसी सीबीआई का डर बैठा करके उनका समर्थन लिया गया। क्या कांग्रेस की पार्टी, क्या कांग्रेस की पार्टी ये सवाल कांग्रेस से करेगी? क्या समाजवादी पार्टी ये सवाल? ठीक है, ठीक है, केवल ढींगरा जी, विकास पांडे जी, मयंक अग्रवाल, बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, चुनाव का माहौल है, किसकी नैया पार लगेगी कि किसकी नैया डूबेगी ये तो बस कुछ ही दिनों बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए आप तीनों का हमारा मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।